आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की एक्सटेंशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की यात्रा में लगभग 21 मिनट का समय लगेगा। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधे जुड़ा होगा। इस नए स्टेशन पर यात्रियों का आना जाना उसी दिन दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके उद्घाटन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कुल लंबाई 24.09 किलोमीटर हो जाएगी। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की परिचालन गति को 90 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन कई सुविधाओं से लैस है। आस एस्केलेटर, 4 लिफ्ट और सीसीटीवी निगरानी, पीए सिस्टम आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंडरग्राउंड रास्ते पर सुंदरता बढ़ाने के लिए दीवारों पर प्रिंटेड ग्लास लगाए गए हैं। वहीं यशोभूमि कॉम्प्लेक्स में गेट नंबर 2 के पास पार्किंग की फैसिलिटी है, जिसे यशोभूमि के कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के सर्च ऑपरेशन के बीच बारामूला से बड़ी खबर सामने आई है। सेना ने यहाँ एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। उरी हथलंगा इलाके में सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अनंतनाग में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच चौथे दिन भी मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 लश्करे तैयबा के आतंकी पहाड़ी वन क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। कमांड कंट्रोल वहां हाईटेक सीसीटीवी और 360 डिग्री कैमरे से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से भी जंगलों में आतंकियों की तलाशी की जा रही है। भारतीय सेना की आतंकी ऑपरेशन यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम और पैरामिलिट्री की एक टीम मुठभेड़ को अंजाम दे रही है। छिपे हुए आतंकवादियों को घेरने के लिए अलग अलग परतों की घेराबंदी की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा है कि एक आतंकवादी मारा गया है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एक दूसरी आतंकी की तलाश जारी है जिसे बाद में भी ढेर कर दिया गया। इससे पहले पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू की थी। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान पर की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त टीम पर गोलीबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू हो गई। आखिर में सेना ने दोनों आतंकियों को घेर लिया और उन्हें मार गिराया। अनंतनाग में लगातार चौथे दिन भी आतंकियों और भारतीय सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सेना ने ड्रोन की मदद से आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की है। हमले के बाद आतंकी भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर से भी आतंकियों के ठिकानों पर फायरिंग की जा रही है। आधिकारिक बयान के अनुसार अभी तक अनंतनाग में 3 से 4 आतंकियों को मार गिराया गया। गुजरात के खेड़ा में शुक्रवार को शिव शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच तनाव कायम हो गया है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी की है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। खेड़ा जिले में हर साल शिव मंदिर से धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बताया जाता है कि शोभा यात्रा जैसे ही 3 बत्ती इलाके में पहुंची, कुछ असामाजिक तत्वों में शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। एसपी राजेश गढ़िया के मुताबिक पथराव की घटना में सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। एसपी ने बताया कि इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई भी भ्रामक खबर फैलाएगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। साइबर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रख रही है। पुलिस ने दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों से बात भी की है और शांति की अपील की है।
हालांकि शनिवार को किसी भी अप्रिय घटना की खबर फिलहाल नहीं आई है। हालांकि पुलिस की कई टुकड़ियां इलाकों में गश्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को सतर्कता निदेशालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में घोटाले होने का आरोप लगाया है और इसकी CBI से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया है कि सतर्कता निदेशालय ने पिछले महीने लोकायुक्त को यह रिपोर्ट सौंपी थी। दरअसल मनोज तिवारी ने 2018 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर लोकायुक्त से शिकायत की थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि अर्धस्थायी स्कूलों का निर्माण 32 लाख रुपए की लागत से किया गया, जबकि नगर निगमों द्वारा स्थायी कक्षाओं का निर्माण 9 लाख रुपए में किया गया था। सतर्कता निदेशालय द्वारा लोकायुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कक्षाओं की संख्या 7180 थी, जो घटकर 4126 हो गई है, लेकिन इसके लिए बजट में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। यह मामला CBI को सौंप दिया जाना चाहिए। बीजेपी की दिल्ली इकाई के सचिव हरीश खुराना ने कहा कि समय आ गया है कि इस घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों को जेल में डाल दिया जाए। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली सरकार या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। बता दें कि 2015 में CM अरविंद केजरीवाल ने PWD को दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 अतिरिक्त क्लासरूम बनाने का निर्देश दिया था। विजिलेंस ने क्लासरूम बनाने की जरूरत का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया था। विजिलेंस ने 194 स्कूलों में 7180 इक्विलेंट क्लासरूम बनाए जाने का अनुमान लगाया था, जो 2405 क्लासरूम के मुकाबले 3 गुना था। इसके बाद CVC ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में PWD द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिछले साल 1300 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी गई थी। विभाग ने रिपोर्ट भेजकर DOV से जवाब मांगा था, लेकिन आप सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया है। अगस्त 2022 में दिल्ली LG ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर देरी की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, अपराध पे अपराध किया है, इससे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को देखें तो ये पूरी तरह से चोरों की बारात लगती है। और उस चोरों की बारात के मुखिया अरविंद केजरीवाल बार बार अपने को सिद्ध करते हैं कि वो चोरों की बारात के मुखिया है। अरविंद केजरीवाल का ज्ञान, सारा ज्ञान हर जगह भ्रष्टाचार करने में ही लग रहा है। मध्य प्रदेश में अब महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअली किया गया। योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को खुशखबरी देते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में उपलब्ध होगा। टीकमगढ़ जिले के जतारा तहसील के बिलगाय गांव की लक्ष्मी रैकवार योजना की पहली हितग्राही बन गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और वन राज्य मंत्री राहुल सिंह ने लक्ष्मी रैकवार से 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाई। इसी प्रकार टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 26 के निवासी योजना की दूसरी उज्ज्वला योजना की हितग्राही अभिलाषा साहू से पंजीयन प्रक्रिया की पूर्ति करवाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साई हॉकी स्टेडियम टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम को ओंकारेश्वर के वर्चुअली संबोधित किया और टीकमगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी। CM शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि निरंतर हो रही वर्षा के कारण कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ में 268 करोड़ का लागत से बनने वाले नए चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। टीकमगढ़ तहसील के ग्राम मधुबन की 35 एकड़ जमीन में बनेगा इस चिकित्सा महाविद्यालय में 100 MBBS सीट की व्यवस्था रहेगी। आधुनिक सुविधाएं और उपकरणों से यह सुसज्जित रहेगा। मेडिकल कॉलेज के आरंभ होने से टीकमगढ़ सहित आसपास के जिले भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टीकमगढ़ पहुंचकर आपसे प्रत्यक्ष चर्चा करने की मेरी प्रबल इच्छा थी। पहले भी कार्यक्रम बनाया था, परंतु आपसे प्रत्यक्ष चर्चा संभव नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि आज निरंतर वर्षा के कारण टीकमगढ़ आ पाने में असमर्थ रहा। मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि मैं शीघ्र ही टीकमगढ़ आकर आपसे रूबरू चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री चौहान ने टीकमगढ़ वासियों को मेडिकल कॉलेज के लिए बधाई देते हुए कहा कि कॉलेज से प्रतिवर्ष 100 डॉक्टर तैयार होंगे। कुल 66,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला मेडिकल कॉलेज आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित होगा। मेडिकल कॉलेज के आरंभ होने से टीकमगढ़ सहित आसपास के जिले भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टीकमगढ़ अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है। सरकार और टीकमगढ़ वासी मिलकर टीकमगढ़ को सुंदर शहर के रूप में विकसित करें। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह दिया है, यानी रामचरितमानस विस्फोटक है। शिक्षा मंत्री की टिप्पणी पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज समस्त हिंदूवादी लोग इकट्ठा हुए और सभी सनातनी हिंदुओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री का विरोध किया। इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनका इलाज की बहुत ही आवश्यकता है। प्रमुख समाज सेवी वायरल वशिष्ठ ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आचार्य बद्री महाराज ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं और धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य राम विलास सद्बुद्धि ने कहा कि इन लोगों से पूछना चाहिए कि आप धर्म विरोधी हैं या देश विरोधी हैं या सनातन धर्म विरोधी हैं, इससे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। हिंदूवादी ईश्वर चंद्र रावत ने कहा कि हमारे ग्रंथों के बारे में जो गलत टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ गोलजी ने इस दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। समाज सेवी जुगेंद्र भारद्वाज ने कहा कि जो हमारे भगवान का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद स्टालिन और अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। इन सभी लोगों का समय पर विरोध होता रहा है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारे पवित्र ग्रंथों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। यदि ऐसे लोग ब्रज भूमि में आएंगे तो हम उन लोगों का विरोध करेंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति सनातन धर्म और पवित्र ग्रंथों के बारे में गलत बोलेगा उसको समाज से बहिष्कार किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने हमारे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर जो विस्फोटक कह के टिप्पणी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत बयान है। बिहार के शिक्षा मंत्री की बुद्धि भ्रमित हो गई है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको इलाज की सख्त जरूरत है। खबर आगरा से ही, जहां जिला पंचायत सदस्य और पिडौरा इंस्पेक्टर के बीच हुई बातचीत का एक धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस ऑडियो में इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश को ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि कई वादियों को जेल भेज चुके हैं, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। हत्या के दर्ज मुकदमे को गवाहों के बयान पर स्पंज किया। इसी मामले को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। साथ ही इंस्पेक्टर वादियों को 420 में जेल भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। इंस्पेक्टर ने ऑडियो में कहा है कि उनके पास हर चीज का तोड़ है। बता दें कि थाना इंस्पेक्टर द्वारा उच्च अधिकारियों को लेकर भी बातचीत की गई है। इतना ही नहीं, गाली गलौज और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हुए उन्हें सुना जा सकता है। वहीं एसीपी को 1,000 रुपए किलो का मुर्गा खिलाने और महंगी शराब पिलाने की भी बात कही गई है। वहीं सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच गया है। ये पूरा मामला थाना पिडौरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मैंने कई वादी जेल भेज दिए, नहीं यो कह रहा, बात नहीं उखाड़ पाया। नहीं यो कह रहा, 182 बची जाएगी कि नहीं जाएगी? इससे कुछ नहीं हो रहा, 182 बच जाएगी। हम बता देंगे इसका भी तोड़, हम तो हर चीज का तोड़ है। अब इसका भी तोड़ बता देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। फिर इसमें एक भी आदमी नहीं बताएगा। फिर अभी तो 82 का नोटिस आया है, फिर महिला जेल जाएगी, फिर विवेचना दूसरे तरीके से करूंगा। मैं जेल भेज दूंगा महिला को। तो भाई तो कह रहे, मगर तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। जब मैं अभी वो मैं वैसे ही कह रहा था, मैंने इसका कोई PM कहीं नहीं भेजा है, क्योंकि मैं जानना था बिजली से मरा है। जब रायता फैलेगा तो मैं इसे वहां भेज दूंगा, डॉक्टर के खिलाफ हो जाएगा, इस महिला को जेल भेज दूंगा, उठा के पर्ची मुकदमा वाले लिखवाने को। तुम्हें अभी तो 182 का नोटिस आया है, फिर मैं इसे 420 182 117 93 अल्टर करके मैं जो जो कहेंगे हमारा सबको जेल भेज दूंगा।
ब्यासी से कैसा बचा जाएगा, ये चीज तो तुमने हमसे पूछ ही नहीं। हाँ मैं तो भाई की तो कह रहा हूँ, बेचारी बातें तो बची जाए, बच जाएगी, सुबह मिलना जो बेटा। ठीक है सर, ठीक। शुक्रवार देर रात दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां दिल्ली की तरफ से आ रही कार बेकाबू होकर बगल में खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक सवार, तीन दोस्तों और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो कार सवार गंभीर घायल हैं। कार सवार पांच दोस्त अलीगढ़ से कोकिलावेन शनिदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस में कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसा थाना जैत क्षेत्र में स्थित चौधरी ढाबा के पास हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान निविद बंसल, आलोक दयाल, आकाश अजीत कुमार ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई। घायलों की पहचान कमल वर्मा, विशाल वर्मा के रूप में हुई है। तीनों मृतक अलीगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि ट्रक ड्राइवर बिहार के छपरा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना जैत में जैत गांव के सामने चौधरी ढाबा के पास एक कल रात एक्सीडेंट हुआ है 1 बजे के आसपास, जिसमें अलीगढ़ के लोग एक कार में सवार थे और उसमें कुल 5 लोग थे जो शनिदेव पे जा रहे थे परिक्रमा देने। एक अज्ञात वाहन से उनका टक्कर हुआ, जिसमें 3 व्यक्तियों की तो मौके पर मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। इस टक्कर में एक ट्रक ड्राइवर जो खाना खा के जा रहा था वो भी चपेट में आ गया और उसकी भी मौत। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। 80 वर्षीय बुजुर्ग माया देवी को खाकी ने सहारा दिया है। कलयुगी बेटों ने रिश्ते को स्वार्थ की खूंटी पर टांगा, जिसके बाद बुजुर्ग मां के हाथों से रोटी छीनकर धक्के मारकर घर से भी निकाल दिया। बेटे के तिरस्कार को झेलकर भटक रही मां का सहारा बन आगरा पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पुलिस से न्याय की आस लगाए बुजुर्ग मां पैदल ही थाने पहुंची, साथ ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को अपनी आपबीती भी सुनाई, जिसके बाद पहले तो पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग मां के हाथ पैर धुलवाए, उसके बाद बुजुर्ग मां को नई साड़ी पहनाकर खाना खिलाया, साथ ही अपनी गाड़ी से बुजुर्ग मां को उसके घर पहुंचाया। वहीं मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस बुजुर्ग महिला के बेटे को थाने लेकर आ गए, साथ ही पुलिस ने बहू संगीता को भी चेतावनी दे डाली है। वहीं आगरा पुलिस की इस दरिया दिली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर आगरा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक ने इलाज के दौरान तड़पते हुए मारपीट कर आंखों पर पट्टी बांधकर सिर में गोली मारने की बात बताई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल 2 आरोपी साहिल उर्फ शैलेंद्र और नमन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में नमन की महिला मित्र के आपत्तिजनक फोटो मृतक के पास थे, तो वहीं हत्या का कारण ब्लैकमेल करना बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। ये पूरा मामला थानाबाह क्षेत्र के गांव बिजौली का बताया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने और क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। हत्या में पंजीकृत अभियुक्त के 2 अभियुक्त साहिब और नमन को आज गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों के द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने यह घटना अपनी महिला मित्र, जिसको मृतक अभिषेक के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, ब्लैकमेल करने का जो जरिया था वो ये था कि उक्त महिला मित्र के कुछ वीडियो और फोटो मृतक अभिषेक के पास में मौजूद थे, जिनको वो पब्लिक में शेयर करने की धमकी देता था। यह बात जब उसने अपने दोनों मित्रों को बताई, नमन और सहेल, इनके द्वारा प्लानिंग की गई, हत्या की प्लानिंग की गई। पहले भी एक प्रयास किया गया 7 तारीख को, फिर 11 तारीख को ये हत्या करने में सफल रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।